मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले, महादेव शंकर है जग से। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले, महादेव शंकर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम था, मैं इंट्रो दे रहा था अपने इस ब्लॉग में जो कि रुद्राभिषेक का है, 2022 रुद्राभिषेक का। हमारी वीडियो जो ये वाली है थोड़ा लेट आ रही है, और पहले की वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ चुकी है उसको आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो क्या था कि मैं इंट्रो दे रहा था, सुबह का टाइम था, तो घर पे रुद्राभिषेक भी था जो कि अगस्त में था। आप लोग ब्लॉग हमारा देख सकते हैं, पिछला ब्लॉग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा किस तरीके का है। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। तो क्या था कि यहाँ पर अभी भी ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा था, जो कि ये लोग 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है ये लोग। हम लोग पूरा एक दिन ओम नमः शिवाय का जाप किए हैं, जो कि सभी लोगों से धूमधाम से हुआ है, आप लोग ब्लॉग में देख ही होंगे। तो अब आगे कार्यक्रम ये होगा कि रुद्राभिषेक होगा, जो कि उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग हमारे ये YouTube चैनल पर आप लोगों को हमेशा मिलते रहेंगे। तो देखते हैं आगे, अब रुद्राभिषेक होगा जो कि उसको भी आप लोग और देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को अपने आगे बढ़ाता हूँ। तो ओम नमः शिवाय का जाप हो भी रहा था, और इधर साफ सफाई भी चल रही थी, और बारिश का भी टाइम था, काफ़ी बारिश भी हुई है इस दिन, लेकिन आज थोड़ा मौसम साफ दिख रहा है। तो देख चलिए मैं आगे और दिखाता हूँ आपको, सभी लोगों से अभी मिलाऊँगा, तो आप लोग जरूर हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मंदिर भी यहाँ पे सज रही थी, जो कि देख सकते हैं फूल भी रखा है, और भी चीज़ सभी सजाया जाएगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारी ये वीडियो कई पार्ट्स में डिवाइड है, उसको आप लोग देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आगे, अभी बेलपत्र तोड़ा जाएगा जो कि वो भी शिवलिंग में चढ़ता है, तो मैं आगे चल के अभी उसको दिखाऊँगा। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बेलपत्र है, इसको भी हम लोग खेत गए थे लेने, जो कि हमारे ब्लॉग में ये भी इंक्लूड है, पिछला ब्लॉग हमारा देख सकते हैं, जो कि उसमें इसको हम लोग लेने गए थे। कहाँ पे गए थे? जो कि काफ़ी ठंडा मौसम था उधर, ये था, ये है बेलपत्र जो कि इसको तोड़ा जा रहा है। ये भी शिवलिंग में चढ़ेगा, किस तरीके से चढ़ेगा आप लोग जरूर देखिएगा हमारे वीडियो में। ये रुद्राभिषेक है जो कि हमारे मौर्य फैमिली में हर बार होता है, हर साल होता है, और होता है, और हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आती रहेगी। तो उसके बाद हम लोग आते हैं घर के अंदर, तो यहाँ पे चंद्रामृत था जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा था, बन के तैयार हो चुका था, जो कि प्रसाद के रूप में अभी सभी लोगों को बांटा जाएगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर खाना बन रहा है, वहाँ पे भी कहीं लूँगा मैं, वहाँ का ब्लॉग आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी वीडियो में। तो हमारे इस ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर छत पे, वहाँ पे सभी लोग हैं। ये देखिए यहाँ पे चावल बना है जो कि सुबह का नाश्ता है, सभी लोग हैं। ये चाची भी है जो कि प्याज काट रही है, अभी खाना बनेगा। ये लोग हैं, ये भाभी है, ये भी साथ में बनवा रही है यहाँ पे। तो क्या था कि हम लोग ऊपर आ गए थे यहाँ पे, जो कि खाना भी बन रहा था, सभी लोग खा रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे चूल्हा की रोटी बन रही, जो कि सभी लोगों को पसंद होगी, गांव में अक्सर बनती है। तो यहाँ पे खाना भी बन रहा था और सभी लोग खा भी रहे थे, जो कि सुबह का टाइम था, सुबह का नाश्ता था, सभी लोग कर रहे थे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग हैं। ये अजीब जानवर है, जितना भी खाए फर्क ही नहीं पड़ता है। ये दीदी है जो कि ये भी इन्हीं लोगों के साथ में है। यहाँ पे कढ़ी है जो की वो फुलौड़ी कहते हैं ना, बूंदिया निकल रही है। तो क्या है कि यहाँ पे कढ़ी भी बन रही थी, जो कि कुछ इस तरीके से बन रही है, सभी लोग अपना हाथ बटा रहे हैं यहाँ पे, गांव में हो रहा है, गांव में देख सकते हैं किस तरीके से कढ़ी के लिए बूंदिया निकालते हैं छन्ने से, भी कुछ इस तरीके से निकाला जा रहा है।
तो क्या है कि इसी तरह पूजा का टाइम हो गया था, जो कि पूजा के लिए सामान जो था मंदिर तक पहुंचाना था, तो उसके लिए हमारी बुआ जी हैं, बड़ी मम्मी हैं और मम्मी हैं, भाभी हैं, ये सभी लोग पूजा के लिए सामान ले जा रहे थे। और आगे पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देख सकते हैं बेलपत्र जो कि ये है तोड़ा गया था, इसमें क्या लिखा है, राम राम लिखा गया है, जो कि हर पत्ती में राम राम लिखा गया है। और अभी यहाँ पे पूजा शुरू होगी, सभी लोग आएंगे तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को बढ़ाते हैं हम लोग आगे। तो अब यहाँ पे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, कुछ देर में पूजा का सामान आ चुका है। अपने अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पवित्र सुपारी देखे उसी में है, एक मोमिया में पान है उसी में रखे हैं। तो क्या था कि अब यहाँ पे पूजा कार्यक्रम जो था वो शुरू हो गया था। अभी यहाँ पे जल छोड़ा जाएगा, जो कि सभी लोग जल चढ़ाएंगे, देखिएगा, जो कि दूध से रुद्राभिषेक होगा, जो कि सभी लोग करेंगे। आप लोग देखिएगा किस तरह ये होता है, जो कि हमारे गांव में, हमारे घर में हर बार यहाँ पे रुद्राभिषेक का प्रोग्राम होता है। और हर वीडियो आपको YouTube चैनल पे हमारे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं अब आगे किस तरह से पूजा होती है ये। तो गाइस अब थोड़ी देर में यहाँ पे रुद्राभिषेक होने वाला है, तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी आपने पीछे वीडियो में देखा होगा वहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी, तो मैं अभी आगे चल के दिखाऊंगा रुद्राभिषेक है, जो कि शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, और जो नहीं देखे इसको जरूर देखिएगा किस तरह के रुद्राभिषेक होता है, जो कि सावन के महीने में होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, उधर साइड प्रसाद बन रहा है, उधर का मैं आपको ब्लॉग दिखाता हूँ। तो हम लोग अब जा रहे थे वहाँ पे जहाँ पे प्रसाद बन रहा था, जो कि अभी सभी लोगों को बांटा जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी मंदिर, जो कि कुछ इस तरीके से है,
यहाँ पे आज मौसम साफ है, बाकी कल इतनी समय काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो चलिए मैं चलता हूँ उधर, आगे दिखाता हूँ आपको जहाँ पे प्रसाद बन रहा है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ, उधर प्रसाद बन रहा है, सबको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रसाद बन रहा है, जो कि अभी सभी लोगों को दिया जाएगा जब पूजा खत्म हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे शाम को भी प्रोग्राम है, जो कि उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो प्रसाद बन रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से बन रहा है, देख सकते हैं, क्योंकि गांव में हर साल होता है ये प्रोग्राम, आप भी लोग आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आगे इसके बाद।
यहाँ पे रुद्राभिषेक के लिए इससे पहले यहाँ पे बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से चढ़ाया जाता है, आप लोगों ने अभी देखा होगा। तो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसमें रुद्राभिषेक होगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू हो गई है। चलिए मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे ये यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में।